हेलो रिवन। तो आज हम क्लास टेंथ मैथ का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, उसको समझने से पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे। ठीक है, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, किस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्योंकि अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लेते हैं तभी जाके हम पॉलिनोमियल आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल भी एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक है, वो जब हम बताएंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं कि वो मतलब क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्लास नाइन्थ में भी पढ़े थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्लास टेंथ में रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो बहुत सारे होते हैं, तो सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ही होते हैं जिनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एग्जाम्पल है 5। ठीक है ना, जैसे 5 ही है, अगर हम बोलते हैं कि क्या 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, कैसे पता करेंगे ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, या फिर मेरे पास कोई है 5x3 + 2x1/2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया गया है, अब पता करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म देखेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है, वहां से हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह के एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि वहां पे कुछ कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब कांस्टेंट क्या होगा वो बता रहे हैं, कांस्टेंट कोई हो सकता है, और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल एक मल्टीप्लिकेशन में होगा, और वेरिएबल का कुछ पावर होगा, और वो पावर एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, वेरिएबल का कुछ पावर होगा और वो पावर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझा रहे हैं, अभी ध्यान से समझे। ये केवल हम जनरल फॉर्म बताए हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर होता है। अब ध्यान से समझेंगे यहां पे, तो यहां पे कांस्टेंट जो दिया गया है, अब क्वेश्चन ये भी है कि सर कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। ठीक है ना, तो कांस्टेंट का मतलब वो होता है जो समय के साथ चेंज ना हो। ठीक है, वो जो चेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, क्योंकि वेरिएबल जो है वो वैरी वर्ड से मिला, वैरी वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, वैरी वर्ड, और वैरी का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो जो चेंज हो जाए समय के साथ उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जो चेंज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मौसम का ही बात करें, वेदर का बात करें, तो समय के साथ चेंज होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है कि सालों भर सर्दी पड़ता है, या फिर गर्मी पड़ता है, या फिर बारिश हो रही है, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, समय के साथ मौसम क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। आ रही बात समझ में। कॉन्स्टेंट का मतलब जो चेंज ना हो, मतलब फिक्स हो, कॉन्स्टेंट का मतलब फिक्स, चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ही लोग का जो हाइट है कुछ एज के बाद रुक जाता है। ठीक है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, तो हमारा जो हाइट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट कहलाएगा। आ रही बात समझ में। तो कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज ना करे, वेरिएबल का मतलब होता है जो समय के साथ चेंज करे। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, जैसे आप बाइक भी चलाते होंगे तो जो बाइक का स्पीड है वो तो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता होगा। ठीक है, अगर मतलब रोड फ्रेश है तो वहां पे आपका स्पीड ज्यादा होगा, अगर ट्रैफिक है तो वहां पे स्पीड कम होगा। तो थ्रू आउट जितना भी हम मतलब बाइक चलाते हैं तो स्पीड तो कांस्टेंट होता नहीं है, जितने भी समय के लिए चलाते हैं स्पीड वैरी करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, स्पीड भी वेरिएबल होगा। तो ये होता है कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, तो कांस्टेंट का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो नंबर्स है। जैसे हम लोग जो मैथमेटिक्स में जो नंबर्स पढ़ते हैं, रियल नंबर्स पढ़ते हैं, वो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं ये चेंज थोड़े ना होंगे, जो इसका वैल्यू है वो तो, जैसे कि हम 2 का ही बात करें। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में 2 यूज़ करें या फिर हम साइंस में 2 यूज़ करें, हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 का नोट है, तो उस 10 के नोट को हम कहीं भी ले जाए उसका तो वैल्यू 10 ही रहेगा, वैल्यू तो सेम ही रहेगा, वैल्यू तो घटेगा नहीं। ठीक है, तो जो नंबर्स होता है, नंबर्स का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है कहीं भी। ठीक है, आप कहीं भी चल जाओ, नंबर्स का वैल्यू जो होता है चेंज नहीं होता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट का यही हमारे नंबर सिस्टम है, यानी कि जो भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, उनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये था कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का मतलब। ठीक है, तो यहां पर हम ये बताएं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं।
अब यहां पे जो कांस्टेंट हम लेते हैं वो कांस्टेंट हम कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी हम रियल नंबर्स ले सकते हैं। अब रियल नंबर्स चैप्टर में हम डिस्कस किए हैं कि रियल नंबर्स किसको बोलते हैं, जितने सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और वैसे भी हम अभी तक मैथमेटिक्स में जितने सारे नंबर्स पढ़े हैं सारे रियल्स हैं, रियल नंबर पढ़े हैं। वैसे इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, लेकिन उसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th में 12th में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे हम फिलहाल में जो भी नंबर्स देखते आ रहे हैं सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। यहां पे हम कांस्टेंट की जगह पे कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है, पहला चीज कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं। और वेरिएबल जो होता है मैथमेटिक्स में, जो वेरिएबल होता है वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेरिएबल को मैथमेटिक्स में हम इंग्लिश के अल्फाबेटिकल मतलब अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में जो भी अल्फाबेट से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोस्टली हम मैथमेटिक्स में वेरिएबल को जनरली एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड से। इसके अलावा हम पी क्यू आर से भी कर सकते हैं या फिर ए बी सी, यानी कि इंग्लिश के जितने सारे अल्फाबेट्स हैं उसमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या यूज करते हैं, हम एक्स वाई जेड यूज करते हैं या फिर पी क्यू आर यूज करते हैं, ए बी सी उतना भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये छह जो वेरिएबल्स हैं मतलब लेटर्स जो हैं इसका हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो कैपिटल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जनरली स्मॉल ही यूज किया जाता है। तो ये होता है वेरिएबल और ये कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं इसका। तो जैसे मान लेते हैं कॉन्स्टेंट की जगह पे हम कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं, तो रियल नंबर मान लेते हैं हम 5 लेते हैं, ठीक है, और वेरिएबल इनमें से हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे हम x ही ले लेते हैं, ज़्यादातर हम x ही लेते हैं इसलिए x ले रहे हैं, आप चाहो तो y भी ले सकते हो, z भी मतलब कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो वेरिएबल की जगह पे हम मान लेते हैं x लेते हैं, क्लियर। और इस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। अब रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसे नंबर्स जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है, p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होता है। ये सारा चीज हम रियल नंबर्स में डिस्कस किए हैं, यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो मतलब वेरिएबल का जो पावर है वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, तो मान लेते हैं हम यहां पे 2 ही ले लेते हैं, 2 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को भी हम 2 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट 5 है, वेरिएबल x है, और वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, जो कि है यहां पे, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जस्ट वैसे ही मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है x का पावर 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, ये 2 तो लिए हैं, और याद रखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे x लिए हैं y भी ले सकते हैं, ठीक है, दो वेरिएबल हो गया अलग अलग, लेकिन इस चैप्टर में पॉलीनोमियल में हम एक ही वेरिएबल पे डील करेंगे, ठीक है ना, एक ही वेरिएबल का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है x का पावर 3, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि क्या ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाने के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। तो वेरिएबल तो हमको दिख रहा है x, क्या कांस्टेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी है, ठीक है, 1 है यहाँ पे, क्योंकि 1 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, x ही होगा ना, ठीक है। जैसे 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे 1 भी मल्टीप्लाई है, और 1 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है। और वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, और 3 क्या है, रैशनल नंबर है, तो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। जस्ट वैसे ही मान लेते हैं मेरे पास है y का पावर 2 इंटू वाई का पावर 1/3, ठीक है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, चेक करते हैं, ये कॉन्स्टेंट है इंटू वेरिएबल, ठीक है, और पावर रैशनल नंबर होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म का है, ये भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जस्ट वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास मान लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है √3x का पावर -5, ठीक है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि ये है, √3 कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब रियल नंबर्स रैशनल नंबर और इरेशनल दोनों से मिलकर बना होता है, और यहाँ पे √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन कांस्टेंट तो है ना, ठीक है। तो ये रियल नंबर हो गया, √3 इरेशनल है और रियल नंबर भी है, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। एक्स क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो -5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि -5 को -5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आ रही बात समझ में, अगर हम बोलते हैं कि बताइए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, 5x का पावर √2, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो चेक करते हैं।
तो कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल होना चाहिए, ये कॉन्स्टेंट है इंटू वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में है। वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे रूट टू, सब जानते हैं कि रूट टू क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है, क्योंकि टू जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इरैशनल नंबर ही होता है। तो ये क्या है, इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट के जगह पर रैशनल इरैशनल मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इरैशनल था, इसीलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। आ रही बात समझ में? तो होप कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लगे कि इसमें कुछ लिखना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले पहले। अब यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। जैसे फॉर जैसे शुरुआत में हम एक नंबर लिए थे 5, ठीक है, और ये चेक करना है कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो बहुत लड़के ये बोलेंगे कि यहाँ पे हमको कॉन्स्टेंट टर्म तो दिख रहा है लेकिन वेरिएबल नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। लेकिन ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हम 5 को चाहें तो 5 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है, सही है। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम 1 के जगह पे x का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का पावर, ठीक है, कोई भी चीज़ लेते हैं एनीथिंग, ठीक है, कॉन्स्टेंट का पावर 0 ले या फिर वेरिएबल का पावर 0 ले, वो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो किसी भी चीज़ का पावर 0 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम x का पावर 0 भी करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 1 ही आएगा। अरे बस समझ में? तो यहाँ पे 1 के जगह पे हम x का पावर 0 लिख दी। अब ध्यान से समझेंगे, अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे x के जगह पे कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x ही यूज करेंगे, y, z कुछ भी, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये जो है ये कॉन्स्टेंट है 5, एक्स क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। और चेक करिए कि क्या 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम 0/1 के फॉर्म में ले सकते हैं, जो कि p/q फॉर्म का है, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो सकता है, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर के केस में, क्लियर है। तो यहाँ पे सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, कि कॉन्स्टेंट होना चाहिए, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल होना चाहिए, पावर रैशनल नंबर, तो सारा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए 5 क्या होगा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। केवल 5 ही नहीं, सारे रियल नंबर, सारे जितने सारे कांस्टेंट हैं, जितने सारे नंबर्स हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। -2, -3, -5, 5/3, 2/5, मतलब जितने सारे नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कांस्टेंट इनटू सम वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर, क्लियर यहां तक। अब ध्यान से देखेंगे, अब क्वेश्चन ये है कि क्या 0 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो 0 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अभी बोले कि सारे कांस्टेंट ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, क्योंकि 0 को भी हम 0 × सम वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल लेते हैं, जैसे यहाँ पे x ही लेते हैं, इसके पावर में कुछ भी रहे, क्योंकि 0 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। यहाँ पे पावर कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, तो मान लेते हैं हम पावर यहाँ पे 1 ही लेते हैं, आप 2 भी ले सकते हो, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर के फॉर्म का है, ठीक है, तो इसलिए ये भी 0 भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि 0 भी एक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। चलिए फिर, तो होप कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम पॉलीनोमियल आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो में हम पॉलीनोमियल के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, और अगले वीडियो से हम पॉलीनोमियल के बारे में डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे हम ऊपर बताएंगे कि अभी रिलेट कर रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल में रिलेशन क्या है, ठीक है, अगले वीडियो से हम डिटेल में बताएंगे कि पॉलीनोमियल क्या होता है, ठीक है, जितना पॉज करके पहले नोट कर लें। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल्स कहलाता है, क्योंकि हम शुरुआत में ही बताए थे कि सारे पॉलीनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं होता है, वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। लेकिन किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलीनोमियल बोल सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम पॉलीनोमियल की बात करें, ठीक है, यहाँ से आप लोग पॉलीनोमियल आसानी से समझ भी सकते हो, ठीक है, डेफिनेशन ऑफरेशन का मतलब अगले वीडियो से डिस्कस करेंगे कि पॉलीनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है। यहाँ पर हम समझा रहे हैं, अगर इसको समझ जाते हैं ना, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा पॉलीनोमियल क्या है, ठीक है। तो पॉलीनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन इसके फॉर्म में, इसके जनरल फॉर्म में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। चेंजिंग क्या होता है, ध्यान समझेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म था सम कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर, ठीक है। तो पॉलीनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है,
ठीक है। यहां भी क्या होता है, सम कांस्टेंट, उसके साथ हम वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं। और यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे जो वेरिएबल का पावर होता है वो पावर एक होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर, जिसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। होल नंबर को क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि वैसे इंटीजर जो कि नेगेटिव ना हो। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से देखेंगे तो होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? जीरो से, जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे सोन चलते रहेगा, ठीक है। यानी कि काउंटिंग नंबर्स प्लस जीरो, मतलब जीरो को इंक्लूड करके जो भी नंबर्स बनते हैं, नंबर सिस्टम आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर क्यों बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है वैसे इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से वन से लेके इधर सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब बात करें जीरो का, तो जीरो जो होता है वो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो नॉन नेगेटिव का बात कर रहा था, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव ना हो। तो जीरो तो नेगेटिव नहीं होता है, तो जीरो को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। जस्ट वैसे नॉन पॉजिटिव का बात करता है तो वहां भी हम जीरो को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है वो सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है, जबकि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था? पावर रैशनल नंबर था। बस इतना का ही डिफरेंस होता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में, बस इतना का ही डिफरेंस होता है पावर का। वेरिएबल का पावर यहां पर रैशनल नंबर होता है, यहां पर होल नंबर होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे फॉर्म मान लेते हैं, मेरे पास कोई एग्जाम्पल है 5x², ठीक है। अब चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। और 2 क्या है? होल नंबर है, ठीक है। जैसे वैसे ही जैसे मान लेते हैं 3x, जैसे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे y भी ले लेते हैं। एक्चुअली में हमको एक ही वेरिएबल में पढ़ना है, जैसे एक और वेरिएबल ले लेते हैं। अब पूछ रहे हैं क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, मतलब वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर क्या है? 1 है, ठीक है। तो वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर। ये भी क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 2x² y³, ठीक है। अब पूछते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो यहाँ पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इनटू वेरिएबल, ठीक है, दोनों वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ठीक है। अगर हम ये पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, ठीक है, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, लेकिन पावर होल नंबर नहीं है। पावर क्या है? नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है। और नेगेटिव इंटीजर जो होता है वो होल नंबर नहीं कहलाता है। तो क्योंकि यहाँ पे पावर होल नंबर नहीं है, ठीक है, ध्यान समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब अगर हम ये पूछते हैं कि क्या ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे -1 रैशनल नंबर है, ठीक है, तो पावर वहाँ पे रैशनल नंबर होता है, तो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम इसको पूछे क्या ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था कि नहीं था, बिल्कुल था। 2 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, तो ये भी क्या है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी है, ये भी है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सारे के सारे पॉलिनोमियल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। जैसे ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं था, क्योंकि पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट में ये एक बात लिख सकते हैं कि यहाँ से नोट में आप बात लिख सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं, पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेकिन अगले वीडियो से पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल पॉलिनोमियल्स आर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, यही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ऑल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यानी कि सारे के सारे पॉलिनोमियल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। यहाँ पर एग्जांपल दे दिए, ये सारे पॉलिनोमियल थे और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी थे, लेकिन ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था लेकिन पॉलिनोमियल नहीं था। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, ठीक है ना, आप बेसिस में पढ़े होंगे कि सारे अल्कलीज बेसिस होते हैं, लेकिन सारे बेसिस अल्कली नहीं होते हैं, ठीक है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अल्कली क्या होता है, जो वैसे बेसिस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है, एक स्पेशल नेम दे। जैसे जो जितने सारे बेसिस होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं, या तो वाटर सॉल्युबल होता है या फिर वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो वाटर सॉल्युबल को हम एक स्पेशल नेम देते हैं अल्कली, ठीक है। तो सारे अल्कलीज बेसिस होते हैं लेकिन सारे बेसिस अल्कली नहीं होते, वही चीज यहां पे भी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्लियर यहां तक। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं
जैसे 1 अपॉन एक्स, अगर हम ये पूछते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो पॉलिनोमियल में हम पहले क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल है ना उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल डिनोमेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस वन। आप लोग पढ़े होंगे कि जब नीचे होता है डिनोमेटर में वेरिएबल होता है तो ऊपर जाता है तो पावर निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्स पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये जो एक्स पावर माइनस वन है ये एक्सप्रेशन में कांस्टेंट तो है जो कि वन है, जो कि दिख नहीं रहा था, वन कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, लेकिन वेरिएबल का पावर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आदिवासन में जस्ट वैसे ही, और भी एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी वो एग्जाम्पल देंगे तो समझ में नहीं आएगा उतनी तरह से। तो इतने एग्जाम्पल से आप लोग होप कि समझ में आ गया होगा कि किसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस बेसिकली बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 5 का बात करते हैं कि 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो 5 को चेक किए थे, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, अब पॉलिनोमियल को चेक करते हैं, तो 5 को हम 5 इंटू एक्स का पावर 0 ले सकते हैं, अभी बताए थे, ठीक है, या फिर y का पावर 0 जो भी है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो 0 क्या होता है, होल नंबर होता है, तो यानी कि ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, यानी कि जितने सारे नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन उनको हम स्पेशल नेम दे देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि जितने सारे नॉन जीरो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल नेम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बात हुआ 0 को, तो 0 को हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। तो 0 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो ये था ओवरव्यू कि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बताते तो पॉलिनोमियल उतने अच्छे से समझ में नहीं आता, डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर हम पॉलिनोमियल्स ही पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म देखेंगे जो कि अभी बताए नहीं थे, 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और डिटेल में बात करेंगे डिग्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, ठीक है, ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक है। तो होप कि ये सारा बात समझ में आया होगा, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।